आज की कहानी का शीर्षक है कर्म की महिमा, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में से एक। कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र कर एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बखर उठाकर घर में रख दिए कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत क्या जोतना। 3 दिन घर से खाली बैठे बैठे वह ऊब गया। सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की तो कहीं हल बखर चला ही ना भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बखर उठाया और खेत जोतने लगा। वह खुश था कि पानी बरसे ना बरसे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूं तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते जब वह खेत जोत रहा था, तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां बिना बरसे निकल चुकी थी, इसलिए उस किसान ने उन बदलियों की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है यह? हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात किसान ने सुनी। उसने कहा, बहन, मैं बैठे बैठे घबरा गया था। सोचा कि अपना कृषि कर्म करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या ना बरसे, हल बखर चलाना तो याद रखना ही होगा। कहीं मैं 7 साल में हल बखर चलाना भूल ना जाऊं। बदली चकित रह गई, आखिर यह किसान क्या कह रहा है? कहीं मैं भी बरसना ही ना भूल जाऊं 7 साल में। बदली को लगा कि किसान ठीक कह रहा है, सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए, और वह बरसने लगी।